वेलकम इन आर एस के मैथ्स मोनिटर चैप्टर हमारा थर्ड एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू टू डे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड एक्स इन द फ्लोइंग फिगर्स जो नीचे फिगर वहाँ जो अनोन वैल्यू है एक्स उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे दिस इज ए एक्सटीरियर एंगल्स ये बाहर वाला एंगल है और जो बाहर का एंगल एक्सट्री एंगल्स है वो हमें एक्सट्री एंगल्स के सम की हेल्प से ही फाइंड आउट करेंगे हमारे पास कोई भी फिगर हो सभी फिगर्स के बाहर वाले यानी एक्सट्री एंगल्स का सम हमारे पास थ्री सिक्सटी ईच पॉलीगंस प्रत्येक पॉलीगंस के एक्सटीरियर एंगल्स का सम थ्री सिक्सटी होता है तो उसी की हेल्प लेंगे हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सभी एंगल्स का सम होता है थ्री सिक्सटी डिग्री चाहे फिगर कोई भी हो अब यहां यहाँ ट्रैंगल है ट्रैंगल है, है, है तीन एंगल है हमारे पास ट्रैंगल जितनी साइज उतने ही एंगल्स होते हैं फर्स्ट एंगल इज वन ट्वेंटी फाइव सेकेंड इज वन ट्वेंटी फाइव एंड थर्ड इज एक्स डिग्री सबको मिलाकर हमारे पास होगा थ्री सिक्सटी डिग्री ये अनोन है वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी एक्स ये हमारा सेकेंड चैप्टर की तरह वेरिएबल हो गया इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्री सिक्सटी यहाँ से मूव करेंगे टू फिफ्टी को लेफ्ट से राइट right की तरफ जिसका प्लेस चेंज करेंगे उसका साइन भी चेंज होगा यहाँ ये प्लस का इधर जाके नंबर माइनस का होगा माइनस करेंगे जीरो वन एंड वन वन हंड्रेड टेन डिग्री दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एंगल्स नाव क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन का भी पार्ट करते हैं अब ये दिस इज अ पेंटागोन ये फाइव साइड हैं तो इसके फाइव ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे अब यहाँ से बॉक्स शो करता है नाइन्टी डिग्री का एंगल है ये यहाँ भी एक्सटीरियर एंग इंटीरियर एंगल्स गिवन है लेकिन हमें नीड है बाहर वाले एंगल की एक्सटीरियर एंगल्स की उसके लिए हमारे पास अब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल लीनियर पेयर होते हैं यानी वन एटी डिग्री होता है कंप्लीट एंगल वन एटी का अब नाइन्टी यहाँ इधर है तो कितना बच गया हमारा नाइन्टी ही बाहर बच गया तो ये है बाहर वाला एंगल होगा हमारे पास नाइन्टी डिग्री यानी एक्सटीरियर एंगल्स इज नाइन्टी डिग्री अब वही फार्मूले से सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले सभी एंगल्स का सम होगा हमारे पास थ्री सिक्सटी डिग्री चाहे फिगर कोई भी हो सबका सम थ्री सिक्सटी होता है फर्स्ट एंगल इज़ नाइन्टी डिग्री सेकेंड इज सिक्सटी थर्ड इज नाइन्टी फोर्थ इज़ एक्स और फिफ्थ इज सेवेंटी डिग्री यहाँ साथ में आप माइंड में ये भी रखिए कि जितनी साइड्स होते हैं उतने हमारे पास एक्सट्रियर और इंट्रियर एंगल्स होते हैं फाइव ही आपके पास एक्सट्री एंगल्स बनेंगे और फाइव ही आपके पास इंटीरियर एंगल्स बनेंगे थ्री सिक्सटी इन सब को ऐड करेंगे वन फिफ्टी टू फोर्टी थ्री हंड्रेड टेन डिग्री एक्स डिग्री इक्वल टू थ्री सिक्सटी एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स को यहीं रखेंगे हम थ्री सिक्सटी थ्री हंड्रेड टेन को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट right की तरफ प्लेस चेंज करें तो साइन भी चेंज होगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा रिमेनिंग इज फिफ्टी डिग्री दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगनस यहाँ पे मेन थिंग इज रेगुलर पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन मीन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं चाहे वो हमारे इंटीरियर एंगल हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो सबकी वैल्यू यानी मेजरमेंट सेम होती है अगर एक फिफ्टीन डिग्री का तो उस तो सभी एंगल्स फिफ्टीन फिफ्टीन डिग्री के ही होंगे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से नंबर्स ऑफ साइड की है सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट नंबर्स ऑफ साइड्स क्या है नाइन है जितनी साइड होती है हमारे पास उतने ही नंबर्स ऑफ एंगल्स उतने ही एंगल्स होते हैं यानी नाइन ही हमारे पास एंगल्स होंगे अब एक्सटीर एंगल्स का मेंशन है तो हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लेंगे सभी बाहर वाले एंगल का सम क्या होता है थ्री सिक्सटी चाहे कोई फिगर हो सबका सम थ्री सिक्सटी ही होता है अब यहाँ से रेगुलर है यानी सभी एंगल्स इक्वल हैं इट मीन्स हमारे पास जो 360 है सबका सम 360 है और 360 को हमने कितने पार्ट्स में बांटना नाइन इक्वल पार्ट्स में बांटना इक्वल पार्ट्स में बांटना इट मीन्स उसको नाइन से ही डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को जितने इक्वल पार्ट्स में बांटना होता तो है उतने नंबर से हम डिवाइड करते हैं नाइन पार्ट से हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ से या हम राइट right कर सकते हैं अगर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेट ईच एंगल ज़ हमारे पास एक्स डिग्री अगर एक एंगल एक्स डिग्री का है तो सभी एंगल्स क्या होंगे हमारे पास नाइन मल्टीप्लाई एक्स होंगे क्योंकि एक एक्स है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सभी एंगल्स का सम करेंगे तो नाइन टाइम अगर एक्स को प्लस करेंगे तो नाइन मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा या फिर हमारे पास ईच एंगल डायरेक्ट भी हम इसको निकाल सकते हैं ईच एंगल अब कंप्लीट सम थ्री सिक्सटी होता है और उसको हमने नाइन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है यानी नाइन से हमने डिवाइड करना है नाइन से डिवाइड करेंगे फोर्टी तो सभी एंगल्स की वैल्यू हमारे पास फोर्टी 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 डिग्री ही होगी सेकंड पार्ट में ये यहाँ पास हमारे पास नंबर्स ऑफ साइड्स क्या है फिफ्टीन साइड है नंबर्स ऑफ एंगल्स यहाँ एंगल्स भी कितने बनेंगे हमारे फिफ्टीन ही बनेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है थ्री सिक्सटी अब हमने सभी एंगल्स रेगुलर पॉलीगंस है सभी एंगल्स इक्वल होंगे इट मींस फिफ्टीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है यहां से तो ईच एंगल यानी प्रत्येक एंगल कितना होगा थ्री सिक्सटी सबको मिलाकर बना है. अब इसी को हमने फिफ्टीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बांटना है तो फिफ्टीन से हम इसको डिवाइड करेंगे फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे फिफ्टीन वन टू जा थर्टी और यहाँ से फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी यानी ट्वेंटी फोर हो हमारे पास ईच एंगल्स की जो वैल्यू होगी ट्वेंटी फोर डिग्री नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पोलिगन एक रेगुलर पोलीगन की कितनी साइड्स होंगी इफ द मेजर ऑफ एन एक्सट्री एंगल्स एक जो बाहर वाला एंगल है उसकी वैल्यू ट्वेंटी फोर डिग्री अगर एक ट्वेंटी फोर है नेक्स्ट भी ट्वेंटी फोर सभी के सभी ट्वेंटी फोर होंगे यहाँ एक्सट्री एंगल तो एंगल्स की होना तो सम ऑफ एक्सट्री एंगल्स की हेल्प से हम निकालेंगे सबसे पहले लेट नंबर्स ऑफ साइड जो निकालना हो वो हमेशा लेट करते हैं कितने साइड्स हैं हमारे पास मान लेते हैं एक्स साइड हैं तो नंबर्स ऑफ एंगल्स भी हमारे पास क्या होगा ही होंगे जितनी साइड्स होंगे उतने हमारे पास एंगल्स होते हैं ईच एंगल जो प्रत्येक एंगल है वो ट्वेंटी फोर डिग्री का है तो यहाँ से हमने नंबर्स ऑफ साइड निकालना है नंबर्स ऑफ साइड्स। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं नंबर्स ऑफ साइड यानी सभी जो एक्सट्री का सम क्या होता है थ्री सिक्सटी होता है अब थ्री सिक्सटी को हमने ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर करके बांटना है कितने पार्ट्स में बांटेंगे वो हमने किसी भी नंबर्स को बांटना हो तो हमने यानी इक्वली डिवाइड करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ से जितने नंबर्स हो से हम डिवाइड कर देते हैं 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इज़ 15 तो यहाँ से नंबर्स ऑफ हमारे पास साइड होगी 15 एंगल भी 15 होंगे यह हम जो हमने लेट किया है उसके तरीके से भी हम निकाल सकते हैं देट निकाले तो क्वेश्चन को हम थोड़ा लॉन्ग भी कर सकते हैं सम ये हमारे पास एक मेथड है यहाँ तक इस लाइन को हम एक्स्ट्रा में कर सकते हैं सिंपल शॉर्ट ट्रिक से हमने निकालना है तो या हम प्रोपर वे से निकाल लेंगे नंबर्स ऑफ साइड एक्स नंबर्स ऑफ एंगल्स भी हमारे पास एक्स ही होंगे ईच एंगल इज ट्वेंटी फोर डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा थ्री सिक्सटी अब एक एंगल ट्वेंटी फोर डिग्री का है और हमें निकालना है एक्स एंगल्स तो ज्यादा होंगे ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई यानी हमारे पास ये सभी एंगल्स का सम होगा और गिवन इज थ्री सिक्सटी डिग्री अब यहां एक्स की वैल्यू निकालेंगे थ्री सिक्सटी ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई में दे जाके डिवाइड में यहां से ट्वेंटी फोर से डिवाइड करेंगे वही नंबर हमारे पास फिफ्टी नंबर होगी फिफ्टी साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होगा यानी ये प्रोसेस लागू होता है आपका जब किसी नंबर्स को इक्वली सेम प्रोसेस से डिवाइड करना हो तो सेम प्रोसेस से हमेशा हम उसको डिवाइड ही करते हैं नंबर्स ऑफ साइड आ जाएगी या नंबर्स ऑफ एंगल्स आ जाएंगे नाउ क्वेश्चन नंबर फोर हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पोलिगन हैव इफ इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आपका इंटीरियर एंगल गिवन है ट्वेंटी सॉरी वन सिक्सटी फाइव अब हमें कल इंटीरियर एंगल्स की अब माइंड में कन्फ्यूजिंग आती है कभी बच्चों के कि हमारे पास इंटीरियर एंगल्स गिवन है अब इंटीरियर एंगल्स की हेल्प लें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की हेल्प लें या सम ऑफ एक्सट्री एंगल्स की वहाँ क्लियर है कि हमारे पास हमेशा हम सम ऑफ एक्सट्री एंगल्स की हेल्प लेंगे रीज़न कि जो इंटीरियर का सम होता है वो डिफरेंट होता है ट्रैंगल का 180 एट्टी स्केयर का 360 सिक्सटी ट्रैक्टैंगल का थ्री सिक्सटी जो पेंटागोन है उसका 540 होता है यानी सभी एंगल्स का सम जो फिगर के अकॉर्डिंग चेंज होता है लेकिन जो एक्सट्री एंगल्स का सम है वो सब में इक्वल होता है चाहे वो ट्रैंगल हो पेंटागोन हो हैक्जागोन हो सब बाहर का जो एंगल्स का सम होता है वो थ्री होता है तो हमेशा हम एक्सट्री एंगल्स की हेल्प ही लेंगे तो उसके लिए हमें एक्सट्री एंगल्स होना भी चाहिए हमारे पास तो इसके लिए हम एक्सट्री एंगल्स निकाल लेंगे अब इंटीरियर एक्स यहां से देख सकते हो ये कंप्लीट एक्सट्री एंगल्स है यहां इंटीरियर इन वाला एंगल है अंदर वाले एंगल और बाहर वाला दोनों मिलकर बनाते हैं एक लीनियर पेयर यानी वन एटी का वन एटी स्ट्रेट पेयर तो वन एटी में से हमारे पास अंदर वाला एंगल निकाल दें तो क्या बच गया हमारे पास बाहर वाला एंगल यानी फिफ्टीन डिग्री जो बाहर वाला एक्सट्री एंगल्स है वो फिफ्टीन डिग्री होगा एक एंगल हो गया हमने नंबर्स ऑफ साइड निकालना तो लेट करेंगे लेट नंबर्स ऑफ साइड एक्स होंगी और नंबर्स ऑफ एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे जितनी साइड होंगे उतने ही एंगल्स होते हैं अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है थ्री सिक्सटी सबका इक्वल होता है थ्री सिक्सटी सबका सम एक एंगल हमारे पास फिफ्टीन डिग्री का हो और एक्स एंगल निकालने तो ज़्यादा होंगे यानी फिफ्टीन मल्टीप्लाई एक्स सब का सम हमारे पास है होगा फिफ्टीन मल्टीप्लाई एक्स क्योंकि एक्स को अब फिफ्टीन टाइम प्लस करेंगे तो फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट सेम आएगा सबको मिलाकर हमारे पास क्या होगा थ्री सिक्सटी होगा अब यहाँ से x इक्वल टू थ्री सिक्सटी फिफ्टीन यहाँ से डिवाइड में जाएगा थ्री सिक्सटी से डिवाइड फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग इज फिफ्टीन टू जा और फोर जा ट्वेंटी फोर यानी नंबर्स ऑफ साइड हमारे पास क्या होगी ट्वेंटी फोर होगी क्योंकि हमारे पास थ्री सिक्सटी को हमने फिफ्टीन 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 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना कितनी साइड बनेगी तो हमारे पास ट्वेंटी फोर साइड बनेगी किसी भी नंबर को इक्वली डिवाइड करना तो इट मीन्स क्लियर है कि उसको हम डिवाइड करते हैं दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो